किल मुआ से झाइयां हैं, शक्ल बड़ी वो हो जाती है, वो भी एलोवेरा वाला पीने से चेहरे पे चमक आनी शुरू हो जाएगी, अच्छा लगेगा आपको, तेज लगेगा। और अद्भुत चीज़ है, स्वामी जी ने एलोवेरा जेल ऐसा बना दिया है ना। और आप लोग तो क्या है ना, एलोवेरा रख भी सकते हैं घर में सब जगह, क्योंकि एलोवेरा तो बेचारा ऐसा सीधा साधा पौधा है, एक गमले में बहुत सारे बच्चे कच्चे पैदा कर लेता है वो, मतलब उसका कुणबा जो है सबसे सुखी कुणबा है एलोवेरा का। एक पौधा एक गमले में लगा दो वो पूरे दर्जन भर पैदा कर लेता है, कितना बढ़िया है। और पड़ोसी को भी दे सकते हो आप थोड़े दिन के बाद, पर सबसे सस्ता पौधा है। तो वो उसका आप एक पत्ता तोड़ करके उसका बीच का जो गुद्दा होता है उसको आप निकाल सकते हैं। थोड़ा ऐसा कर लेना, जब एलोवेरा जेल से पत्ता निकालने के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उपाय, आप ऐसा कर लीजिएगा कि जैसे सुबह आपको प्रयोग करना है एलोवेरा, तो शाम को सूर्योदय के आसपास में एक पत्ते को तोड़ लीजिए, या उसको थोड़ा पत्ते के दूसरे उसमें से पौधे के साइड में से काट लीजिए, काट करके उसको उल्टा करके रख लीजिए, कटे हुए भाग को नीचे करके खड़ा करके रख दो, आप कहीं भी रख दो, एक कोने पे या एक बर्तन में या किसी भी किनारे पर कहीं भी रख दो, तो उसके अंदर से जो एलोए होता है पीला पीला जो निकलता है वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, वो पीला निकल करके निकल जाएगा। दूसरे दिन जो है उसको थोड़ा साफ कर लीजिए, साइड में से जो कांटे से रहते हैं उसको काट दीजिए, पीछे का पूंछ भी काट दो, बीच में से एक भाग थोड़ा थीन होता है एक थिक होता है, यानी कि जो अगला भाग होता है वो थोड़ा पतला होता है, पिछला भाग मोटा होता है। तो ऊपर की तरफ से चाकू से धीरे धीरे काटिए, पतले भाग से थोड़ा नीचे से, वो बिल्कुल अलग हो जाता है, जो ऊपर जो गुदा होता है जो जेल होता है वो अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो नीचे वाले को उसको चाकू से थोड़ा धीरे से यूं सरका दो, तो वो एकदम आपको एकदम बढ़िया मिल जाएगा। तो वो आप ताजा भी ले सकते हो, चेहरे पर भी मल सकते हो, झाइयां हो, मुहासे हो, किल हो, कहीं कुछ भी हो ना, आप लगा दो, दमक जाएगा, अंदर खा लो तो अंदर भी कमाल हो जाएगा। और नहीं है तो एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं, और एलोवेरा जूस पतंजलि का उसको आप पी सकते हैं।